ज़ुनैरा साहब क्या बात क्या बात है बुलियां उत्ते हासा है दे लफ्ज़ा अंदर चा बुलियां उत्ते हासा है दे लफ्ज़ा अंदर चा लग पता जाएगा जो दो आएंगे वसी शाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं आप न्यूज़ की पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन लग पता जाएगा और आज हमें हमारी टीम के साथ और दो खूबसूरत लोगों ने ज्वाइन किया है हमारे साथ मौजूद हैं आलिया नज़ीर हमारी टैरो कार्ड रीडर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है मौज़म खान साहब अपने सितारों और चांद समेत यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ मौजूद हैं आलिया रशीद मेरी को होस्ट हैं वेलकम आलिया और हाफिज़ इमरान साहब हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और दो खूबसूरत मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है एक तरफ वजीर तालीम है एक तरफ तालीम है हमारे साथ मौजूद हैं इमरान मसूद साहब आप साबिक वजीर तालीम हैं और मारूफ पॉलिटिशन हैं मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक है जो अक्सर वेशतर इकतदार में रहती है आजकल भी माशाल्लाह इकतदार में है लेकिन खूबसूरत इंसान हैं खूबसूरत दोस्त हैं खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं और जो जिन लोगों से सियासत का एतबार कायम है जहां आपको मिठास मिलती है जहां आपको तहजीब मिलती है इमरान मसूद साहब जो हैं वो उसी सियासत के अक्कास हैं वेलकम टू शो इमरान भाई और आज हमें ज्वाइन किया है हमारी बहुत ही मेरी ज़ाती यानी कि कोलीग हैं और पूरी दुनिया में परवीन शाकिर के बाद हम ये समझते थे कि शायद थोड़ा सा ठहराव आ गया है और एक काफ़ी अरसे तक मैं अगर ये कहूँ कि तकरीबन डेढ़ दो दिहाई तक 15-20 बरस तक कोई ऐसा नाम सामने नहीं आया जिसको हम ये कह सकें कि परवीन के बाद जो मनसब खाली हुआ था उनके जाने से उसकी सही जानशीन को खातून हो सकती है इसलिए कि खातून की आवाज़ जो है खातून क्या सोचती है औरत क्या सोचती है ये औरत ही बता सकती है सो निसाई आवाज़ों की बहुत ही ज़रूरत है और इस वक्त की सबसे जो बुलंद आवाज़ सबसे तवाना आवाज़ जो है और जिस तहजीब से इनका इनके खानवादे का ताल्लुक है उसी तहजीब को इन्होंने कंटिन्यू भी किया है उसी रख रखाव से इन्होंने अपने आप को कैरी भी किया है अम्बरीन हसीब अंबर नाम पर शायरा हमारे साथ मौजूद है और ख़ास तौर पे कराची से तशरीफ लाई है वेलकम टू द शो अम्बरीन हम लाहौर वाले आपको खुश आमदीद कहते हैं बहुत शुक्रिया और मैं यानी कि चाहूँगा कि अम्बरीन से ही मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ करूँ और कुछ दोस्त हमारे सामने से मैं देख रहा हूँ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं हाथ चुक ले मैं छक्का मारे ए नहीं चलनी उंजी ठा कर शाहजी साडिया बंदूकों तो हिसाब ला लो 20 साल पहले डाका मारन निकले सर मैंने सुना आपने को गाना भी तैयार किया था गाने दे तैयार किते ने के मैं डाकू मेरा प्यो भी डाकू ओ डाकू ही असी रहना ओ गाने तो असी रुक नहीं सकते ये गल ना सानू कहना मैं डाकू मेरा प्यो सुल्ताना डाकू तो हमने सुना था मुल्ताना डाकू क्या हुआ सुल्ताना डाकू मेरी फुफी का पुत्र है अच्छा ओ जदों शरीक चो क्लिक होया ते लोका ने मेनू ताने मारे ने मेणे मारे ने ते ओ दी टक्कर ते फिर मैं बणया मुल्ताना डाकू ते अज तक लोग मेनू सुल्ताना मुल्ताना कहंदे ने ये सुल्ताना मुल्ताना डाकू क्या हुआ बहुत अच्छे जदों मुल्तान सुल्तान हो सकदी ते सुल्ताना मुल्ताना हो सकदा अच्छा ये कोमी पुछ बहू जी जी लाहौर सिकंदर आपका नाम लाहौर सिकंदर है हां लाहौर सिकंदर उसकी वजह लाहौर कलंदर हो सकदा ते लाहौर सिकंदर नहीं हो सकदा जे तुसी बाज नहीं आणा ते मैं अपना ना डंकी किंग्स रख दिया कराची किंग्स हो सकता तो डंकी किंग्स बिल्कुल सही है तो अपना ना डंकी किंग रख ताकि सामान लुट के तेरे ते लद के लाया अच्छा ये बताइए कि आप डाकू कैसे बने थोड़ा सा पीछे हो जाओ मेरे भाई थोड़ा सा पीछे हो जाओ थोड़ा सा पीछे हो जाओ भाई ना होवे परवेज लाई सब गुस्से हो जाओ डाकू कैसे बने मैं कहया से मेरी बंदूक नु दो पेच लुवा दियो अच्छा आप डाकू कैसे बने ऐसे
ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪ ਯਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚਵਲਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਵਲ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰੇ अच्छा आप ये बताइए कि आपको मैंने देखा आप डाका मारने आए कि जुगते करने आए यार जी शाह जी डाका तो मारते ही रहने हैं थे जुगता करने आए हैं अच्छा हाँ जी कि आप... जुगत डाका मारन जाइदा मुंह ते हुंदा इंज करके कपड़ा अच्छा ते जुगत सही सुनदी नहीं ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੁਗਤ ਮਾਰੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅਤਾਈ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਰੂਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਪੇ ਵੀ ਆਪਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਲਾਂ ਫੜ ਲਈ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਵੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਚਾਣਾ ਮੁਲਤਾਨ ਨੇ ਡਾਕੂ ਦੀ ਤੋਹੀਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜੇ ਵੇਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਪੇ ਵੀ ਕੈਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪ ਇਧਰ ਆ ਜਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਮ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਹੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਡਾਕੂ ਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਦਾ ਜੀ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਟੀਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਓਏ ਸਰਦਾਰ ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ बिजली का बिल नहीं दे इस बाजी उत्ते ते तीन परचे हो गए ने क्यों इन पे हां जी आलिया नजीर साहब आवे हां जी वो क्यों गड्डी च कार्ड पे सी पुलिस वाले ने कहा ताश रखी कहंदे बाजी तू गड्डी च जुआ करौनी अगो ओना नु कहंदे ने नहीं ये तो टैरो कार्ड है वो कहंदे ने ओ डिजिटल जुआरन मुर्शिद जी जी असि इस गल ते खुश हां तुसी पुराने बंदे भी सद्दे ने आ माई गेटिंग नु भी बुलाया आलिया ने बहुत मजा लिया इस बात का थॉमसन ने थॉमसन अच्छा ये बताइए पीएसएल देख रहे हैं आप पीएसएल तो बड़ा शौक नाल देखने अच्छा लेकिन लॉर्ड कलंदर ने बड़ा मायूस किया ओए होए होए मैं ते राणा फौज में एक मशवरा देना चाहना वो क्या कि अपनी टीम नु क्रिकेट छड़ा के साढ़े नाल डाकिया दे पिछे और राणा ओ ऐसे बहाने तेरे पैसे भी पूरे हो जाएंगे ए ना करी ओए ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਟੀਮ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰੀ ਵਜਾ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਚ ਸਾਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸ ਟੀਮ ਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਟੀਮ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਵਜਾ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜੀ 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 ਕੀ ਵਜਾ ਰਾਣੇ ਫਵਾਦ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀਆਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿ ਹਲਾ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁੰਗੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ ਅੱਛਾ ਛੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅੱਛਾ ਬਾਸ ਦਾਦਾ ਤੇ ਡਰੇੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ हरी हरी मेनू दे दे हरी हरी टीम हरी अच्छा बात सुने जी ये आप तीनों पढ़े लिखे मुझे नौजवान लगते हैं ये किस तरफ जा रहे हैं आप लोग इस तरफ इधर से निकल जाएं मेरा मतलब ये डाके वाके यही करते रहेंगे आप ए पाकिस्तान है साहब बादर जदों तक डाके नहीं मारेंगे सरवाइव नहीं करेंगे अच्छा शाह जी मेरे डाकियां दा ते आखरी साल रह गया अच्छा अगले साल मैं इलेक्शन ते खलोन लगा ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ 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 ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਡਾਕਿਆਂ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਲੈ ਲੈ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਆਪ ਤੀਨੋਂ ਸੇ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਫ ਸਾਡੀ ਉਧਰ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਜਿੱਦੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਆਪ ਫਰਦਨ ਤੀਨੋਂ ਬਤਾ ਆਪ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਯਾਦਗਾਰ ਡਾਕਾ ਯਾਦਗਾਰ ਡਾਕਾ
ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਡਾਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਪਈ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਹੱਥ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ। ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਹੱਥ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਕਾ ਯਾਦਗਾਰ ਡਾਕਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ICC ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ICC ਕੋ? ਆਹੋ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ ਕਹਲਾਤੀ ਹੈ। ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਦੋ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਟਾਸ ਵਾਸਤੇ ਠੀਪਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੱਸ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਡਾਕਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਰਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਬਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਸੋਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 20 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਦਾ ਤੋੜਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਅੱਛਾ, ਕਾਰ ਆ ਕੇ ਤੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 18 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਟੇ ਵਿਦ ਅਸ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਈਏਗਾ, ਛੋੜ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਾਪਸ ਆਤੇ ਹੈਂ। ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਂ ਆਪ ਨਿਊਜ਼ ਕਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ PSL ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਲਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نیوز کی اسپیشل PSL لائیو ٹرانسمیشن، لگ پتا جائے گا اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں، جو روٹین کی ہماری ٹیم ہوتی ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن عمران مسعود صاحب ہیں، آپ سابقہ وزیر تعلیم ہیں اور ایک طرف علم ہے، تعلیم ہے، شاعرہ ہیں، ہمارے ساتھ امبرین حسیب عمبر۔ امبرین، یہ بتائیے کیسا لگ رہا ہے آپ کو لاہور آ کر؟ ایک بات، دوسرے آپ کی جو پسندیدہ ٹیم ہے وہ کون ہے؟ لاہور آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے، ماشاء اللہ ہم 8 سال بعد آئے ہیں تو بہت ترقی محسوس ہو رہی ہے لاہور میں۔ کراچی سے آنے والوں کو تو لاہور بڑا صاف ستھرا لگ رہا ہے، صاف ستھرا لگتا ہے، ہاں صحیح کہہ رہی ہیں، اور بہت کشادہ سڑکیں اور بہت اچھا، ہمیں تو اچھا لگتا ہے۔ ٹیم آپ کی کون سی فیوریٹ ہے؟ کراچی کی۔ کراچی؟ ارے بھائی واہ، کراچی کی۔ عمران بھائی، آپ کی فیوریٹ ٹیم؟ لاہور کلندر۔ لاہور کلندر، ٹھیک ہے۔ اور عالیہ، آپ کو پتا ہے عالیہ جو ہیں وہ لاہور کلندر کو تجزیہ بالکل ٹھیک کرتی ہیں، مگر چونکہ ان کے گھر کی ٹیم ہے لہٰذا ان کو دکھ بہت ہوتا ہے، شیئر نہیں کر پاتی ہیں۔ ان کے گھر کی ٹیم بھی نہیں ہے کوئٹہ، پھر بھی ان کو بہت دکھ ہے۔ میں اس لیے کہ میں بلوچستانیوں کو سپورٹ کرتا ہوں، ویسے کرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے بلوچستانی بھائی جو ہیں ہمارے، ان کو سینے سے لگا کے زیادہ ان کو پیار کی اور اس کی بالکل کرنا چاہیے، ان کو ہمیں اپنا حصہ کچھ چھوڑ بھی دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل، مجھے لگتا ہے تواڈے دوواں دی ساس بہو والی لڑائی۔ عالیہ آپ کو کہہ رہا ہے، آپ کو اور مجھے، ہاں سانو بہو کے ہے۔ اچھا امرین، آپ کی جو خاص بات ہے، جس طرح سے آپ نے نسائی لہجے میں، آپ نے جو روزمرہ ہے، جو محاورہ ہے، جس طرح سے آپ نے عورت کی بات کی ہے، اور میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی بے باک پن بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، سچی بات یہ ہے، جیسا چاہے آدمی اپنا ایکسپریشن کرے، مگر آپ کے یہاں ایک خاص طرح کی مشرقیت پائی جاتی ہے، تو میں چاہوں گا وہ جو توبہ ہے والی غزل ہے اگر تھوڑی سی آپ ہمیں سنا دیں۔ جی بالکل، پیش کر دیتے ہیں کہ میں ہوں تم ہو ایک دنیا ہے، توبہ ہے، میں ہوں تم ہو ایک دنیا ہے، توبہ ہے، توبہ ہے، سارا عالم دیکھ رہا ہے، توبہ ہے، سارا عالم دیکھ رہا ہے، توبہ ہے، ڈاکو آ کے کچھ نہیں لوٹ کے لے کے گئے، توبہ، سارا عالم دیکھ رہا ہے، توبہ ہے، توبہ ہے، سب سے بچ کر تم نے ایک نظر دیکھا، سب سے بچ کر تم نے ایک نظر دیکھا، اور یہاں جو دل دھڑکا ہے، توبہ ہے، کیا کہہ رہے، سب سے بچ کر تم نے ایک نظر دیکھا، اور یہاں جو دل دھڑکا ہے، اور یہاں جو دل دھڑکا ہے، توبہ ہے، توبہ ہے، میں نے تم سے دل میں ڈھیروں باتیں کی، واہ، میں نے تم سے دل میں ڈھیروں باتیں کی، تم کو خاموشی کا گلا ہے، توبہ ہے، تم کو خاموشی کا گلا ہے، توبہ ہے، توبہ ہے، تم نے پکارا نام کسی کا محفل میں، تم نے پکارا نام کسی کا محفل میں، میں نے اپنا نام سنا ہے، تم نے پکارا نام کسی کا محفل میں، میں نے اپنا نام سنا ہے، توبہ ہے، توبہ ہے، اور آخری شعر ہے کہ تم نے کہا تھا
आपसे मिलकर खुशी हुई। तुमने कहा था आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन मैंने जो समझा है। क्या कहने, तुमने कहा था आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन मैंने जो समझा है तौबा है। लाहौर कलंदर मलंगी का जुमला अगर नहीं रजिस्टर हुआ तो दोबारा ले ले। की कह रहे हो? मैं क्या, मेरे प्यो की भी तौबा है। नाज़रीन स्टे विद अस कहीं नहीं। अच्छा ब्रेक लिया। ओहो मेरे भाई, ये शोर की वजह से। आलिया बच्चों से बरा दी है। हाँ अच्छा, यस यस, आज हमने एक चीज रखी थी सेगमेंट, चूंकि आज मैच नहीं था तो हमने कुछ और चीजें जो है वो रखी हैं। एक वीडियो जो हम, सच्ची बात है, मुझे तो कल ये शिद्दत से एहसास हुआ कि हम कुछ चीजों को लाइट लेते हैं मगर कुछ लोग लाहौर कलंदर की हार को लाइट नहीं लेते हैं। अच्छा। कैसे लेते हैं जरा देखिए। तू छोड़ लाहौर कलंदर को। क्यों आऊं मैं मुल्तान में जब हमारी टीम भी वो वाली है? यार आप रहते वहाँ पे, यहाँ पे हो ना, आपकी टीम बनती वो वाली है मुल्तान वाली। यार पाकिस्तान हो तो उन्हें जगह मारने दे, ये वो ही फकर से मारने, क्या जगह मारे, एक दो जगह मार के आउट हो गया। क्या अफरीदी ने भी जगह, उसे पिछली दफा खिलाया है नहीं उसे? अच्छा कल अफरीदी ने कैसे छक्के मारे थे देखे थे? अफरीदी के मैं कोई तरफ भी नहीं हूँ यार, वो मुल्तान में। ओ यार उनने ऐसे कैच करने लगे थे यहाँ से, बाउंड्री पार हो गई थी उसका, अफरीदी का। हाँ तो वही बात है ना, आउट नहीं हुआ था वो, तो हमारे मुल्तान का था। अल्लाह करके आउट ही हो जाता वो भी। क्यों आउट हो गया? तो फायदा क्या है उसका? फायदा ये है आप मुल्तान में हो जाओ ना, वो तो जीत रहे। मैं लाहौर कलंदर की तरफ कोई नहीं होता, वो हमारा लाहौर कलंदर को, मैं पाकिस्तान की तरफ हूँ जिंदाबाद। वो भी पाकिस्तान। हाँ जी आलिया और हाफिज साहब। ओ तेरा पला मेरा ना फौज थाने बच्चे रवाते। मैंने वसी आज जब ये सुबह से सोशल मीडिया पे चल रही है तो इस बच्चे के जो जज्बात हैं, असल में ये इस पूरी कौम के जज्बात हैं जो लाहौर कलंदर से मोहब्बत करते हैं लोग, वो असल में ऐसे ही लोग हैं, इतने ही इमोशनल हैं, उनको इतनी तकलीफ होती है जितनी इस बच्चे को हुई हुई है, उनको समझ नहीं आती, क्योंकि जो दिल वाले हैं वो सिर्फ लाहौर कलंदर के साथ हैं। और चूँकि वसी भी हैं और आज तो माशाल्लाह दो दो शायर शायरा हजरात हैं, ख़वातीनों हजरात, तो वो फराज ने कहीं कहा था इस बच्चे की वीडियो देख के मैंने, मुझे याद आया कि रोते हुए एक जजीरा जहाँ को फराज तो लाहौर कलंदर की खिदमत में अर्ज है, देखो तो कितने शहर समंदर से हो गए। मतलब इतने लोग जो हैं वो पहले साल से लेके अब तक दीवाने हैं कि किसी तरह लाहौर कलंदर ये मैच जो है जीते, लेकिन जो कल मैच हम हारे हैं लाहौर, उसके बावजूद वसी ये रजिस्टर कराना जरूरी है कि उसने पीएसएल के अंदर जो इंटरेस्ट है उसका लेवल कहां बड़ा मैच जो है वो कल वो एक ब्रांडिंग है और बहुत बहुत इंटरेस्ट जनरेट किया है और एक नई एक लाइफ जो है वो एक्चुअली पीएसएल। मैं हाफिज साहब आपकी तरफ आता हूं इसी बच्चे के उस पे, लेकिन पहले अपना इमरान भाई ये बताइए कि आपकी कैसी, मतलब फॉलो करते हैं पीएसएल को या नहीं फॉलो करते? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, आखिरी दिनों में शायद ज्यादा करते होंगे। ये जो हरा हुआ मैच देखा मैंने, हरा हुआ ग्राउंड में थे आप या? नहीं मैंने टीवी में देखा, टीवी में देखा। तो आखिरी ओवर में क्या कैफियत थी? टेंशन थी बहुत ज्यादा और बस थोड़ी मायूसी हुई जब लाहौर कलंदर हार गए। हार गया तो घर में भी बहुत शोर मचा हमारे। आपकी पूरी फैमिली लाहौर कलंदर को सपोर्ट करती है? जी डिफरेंट। अच्छा डिफरेंट, बच्चे कुछ और करते हैं लेकिन ये हार जीत तो आपको पता है ये इस खेल का हिस्सा है, तो लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी बहुत जरूरी है। अच्छा हमने ना कल हम लाइव यहाँ से जा रहे थे, हमने देखा लाहौर कलंदर के जितने भी सपोर्टर्स थे, इस बच्चे को भी मुझे देख के इतनी खुशी हुई आलिया, उसने कोई गलत बात नहीं की, कोई उसने मुगल-ए-नज़ाज़ नहीं की, कोई वो नहीं किया, अपने दुख का इजहार कितनी मतलब शाइस्तगी से उसने किया और कितना क्लैरिटी है इस बच्चे में भी। आप देखें वो आखिर में कहता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा, पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा। वैसे और सुबह हमने दिन के प्रोग्राम में भी मैंने ये बात की थी
और मैं उसको दोहराना चाहूंगी कि ये बच्चा भी कह रहा है कि वो यार वो आखिरी ओवर शनवारी को दे दिया। बच्चे को भी पता है कि शनवारी को शायद आखिरी ओवर नहीं देना नहीं कराना चाहिए। देखो साडे सिलेक्टरा तो बच्चा सियाणा जी, इस बच्चे नु कह दियो कि तेरे बच्चे भी हो गए ते लाहौर कलंदर नहीं जीते। अच्छा तो इमरान भाई जी प्लीज, पीएसएल ने वैसे बड़ा इंटरेस्ट जो है ना वो उसको बढ़ा दिया है और सस्पेंस भी बहुत है और लोग बड़े एक्साइटेड भी हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त एक तरीका है यू नो टू प्रमोट क्रिकेट और इसमें पूरा पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ हुआ है और बड़ा होस्ट किया लाहौर वालों ने इस मैच को। ट्रैफिक थोड़ी बंद रही है लेकिन क्या कर गुजारा है करना पड़ेगा। लोग खुश हैं और लोग ताउन कर रहे हैं, पुलिस के साथ भी लोग ताउन कर रहे हैं, पुलिस भी बड़ी शाइस्तगी के साथ। इस बार मैं तो नहीं गया लिया लेकिन पिछले जो बांग्लादेश के कौन सा मैच हुआ था तो बकायदा फूल पेश कर रहे थे। जी जी बिल्कुल। अब पुलिस और पंजाब पुलिस कहां और फूल कहां? नाले इन्हां नूं ट्रैफिक नाल है ही कोई नहीं, इन्हां दा निशान साइकिल है, साइकिल ते आ जांदा। बहुत अच्छे आबिद इमरान। अभी आलिया ने फरमाया कि आलिया साहबा ने कि जितने भी दिल वाले हैं सारे लाहौर कलंदर के साथ हैं, तो ये इस दिल वालों के पीछे एक ये है कि वो जज्बाती कैफियत का इन्होंने पहलू दिया है। लेकिन मेरा ख्याल है दिमाग वाले भी लाहौर कलंदर के पीछे हैं, जो है वो भी लाहौर कलंदर के साथ है, इसलिए ये दिलो दिमाग जो है लोगों के लाहौर कलंदर के साथ है। और साथ साथ जो अभी इमरान साहब बात कर रहे थे ना कि पीएसएल ने बड़ा पाकिस्तान को एक तहरीक दी है, वसी साहब ये क्रिकेट इस मुल्क में अगर हम जल्दी समझ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, इस मुल्क में मज़हब के बाद इस कौम को, इस मुल्क के लोगों को, इस सूबों को मुत्तहिद रखने वाली सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। क्रिकेट जब खेली जाती है तो कराची से खैबर तक, बल्तिस्तान से बद्दोमली तक, और आपको यहाँ से साहिवाल से लेकर आप चले जाएं हैदराबाद, बिल्कुल आप 100% दुरुस्त कह रहे हैं, मगर एक चीज़ और है जो जोड़ती है जिस जुबान में ये शेर कहती है। कोई शक नहीं है, उर्दू एक चीज और है जो जोड़ती है, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं, हमारी कौमी जुबान है। और ये और हमारे वो लीडरान भी जोड़ते हैं, जैसे मैं समझता हूँ मोहतरमा थी वो लीडरान जो वफाक की बात करते हैं और चारों सूबों तो ये बिल्कुल उसी तरह से इस क्रिकेट की अहमियत है। और हमें हम खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में वापस सुपर लीग आई है, और जो आलिया साहबा ने फरमाया ना कि कल के मैच के बाद जो टोन सेट हो गई है ना पीएसएल की, अब लोगों का दिलचस्पी भी बढ़ेगी, स्टेडियम में आने वालों की तादाद भी बढ़ेगी। वो ना मैं अपने बच्चे को कभी डांटू ना एक को तो दूसरे उसे कहते हैं पापा ने इसको सेट कर दिया, सेट तो टोन भी सेट हो गई है और लाहौर कलंदर भी सेट है। कहीं नहीं जाइएगा, छोड़ दे वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं आप न्यूज की पीएसएल स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन, लग पता जाएगा बच्चों का छक्का बचेगा, ओ ओ ओ दिल झिल्ली उड़ेगी बच्चों का छक्का बचेगा, ओ ओ ओ दिल झिल्ली उड़ेगी बच्चों का छक्का बचेगा। वेलकम बैक नाजीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। आप देख रहे हैं आप न्यूज की पीएसएल स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन, लग पता जाएगा। अच्छा मैं जरा बढ़ूंगा अमरीन की तरफ, और अमरीन अच्छा हमारे साथ तो ये होता है, बस मैंने जैसे कुछ शेर कहा फर्ज कर लीजिए यही है, जैसे काश मैं तेरे हसीं हाथ का कंगन आता, तो फौरन एक सवाल आता है बेगम साहबा की तरफ से है कि दिल किया है। तो ये जो ख्वातीन शायरात होती हैं उनको भी मसाइल होते हैं अपने पार्टनर की तरफ से कि ये किसके लिए कहा है तुमने, तौबा है सुना तो है लेकिन हमारे साथ नहीं, हमसे ऐसा सवाल कभी नहीं हुआ, लेकिन हमने सुना है कि जो शायरात हैं उनके शोहर ऐसे सवाल करते हैं। ऐसे सवाल करते हैं, आपके हस्बैंड ने कभी नहीं कहा? नहीं, लेकिन हमसे लोग अक्सर पूछते हैं। अच्छा कि शोहर कुछ कहते तो नहीं, सवाल करते हैं ये इमरान भाई कुछ पूछना सवाल करते हैं लोग आपसे? जी बिल्कुल। तौबा है अच्छा देखिए मैं आपको बड़ी छोटा सा वक्त लूंगा, मैं यूजली कोशिश होती है मैं सिर्फ सवाल तक महदूद रहूं, लेकिन ये बड़ी अहम बात है। एक ऐसे हमें जो पितृश्री माशरा है आप जानते हैं, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ख्वातीन को अपनी बात करने की आज़ादी हमें देनी, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि औरत क्या सोचती है। हमारी एक कोलीग हैं रेहाना, उनका एक शेर है, वो जब शेर किस वक्त याद नहीं है, उसका एक शेर यह है कि मैंने सारी ज़िंदगी अलिया इस घर को तामीर किया, इसको सारी ज़िंदगी दी, लेकिन घर के दरवाजे पर मेरे शौहर का नाम लिखा। तो आई रियलाइज कि यार अच्छा हमारी औरत ये भी चाहती है, तो मैंने सोचा कि मैं जब घर बनाऊँगा तो अपना भी नाम लिखूंगा और उससे ऊपर अपनी बीवी का नाम जो है। बहुत जबरदस्त बात है, बिल्कुल। तो जब तक हम औरत को अपनी बात करने की आज़ादी नहीं देंगे
और वो क्यों कहे मर्द की तरह शेर, वो वैसे शेर कहे जैसे वो कहना चाहती है। तो बड़ा इन लोगों का, आप लोगों का, आप ख्वातीन हैं, आलिया हैं, ये हमारी सोसाइटी की ये जरबा हैं, ये वो लोग हैं जो इंस्पिरेशन है ख्वातीन के लिए। मैं समझता हूँ आप सबके लिए बहुत धन्यवाद। शाह जी मैं भी अपनी बीवी का नाम लिखा सी उत्ते। अच्छा, उन्हें अगले दिन मैं घरों कढ़ता सी। क्यों? उन्हें कहा मेरा घर है, तू इत्थे नहीं रह। ये तो इंडिविजुअल केसेस हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ शायरी तक महदूद नहीं रखना चाहिए। हाँ, वसी जी जी नहीं, हर बात। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हमारे कल्चर में आप कहीं भी जो वोकल औरत होती है उसको पसंद नहीं किया नहीं करते। ठीक कह रही है, हमारे यहाँ ना औरत को आप जिस्मानी आजादी तो दे देते हैं, मगर जहनी और फिक्री आजादी नहीं देते। अगर आप घर के मामले में भी बात करना चाहें कि इसको यूं कर लें तो फौरन जवाब आता है तुम्हें क्या पता, चुप होके बैठो। तो आपको इंडिपेंडेंटली वोट देने की इजाजत नहीं है। यानी कि आप ओवरऑल सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे ये होता है कि जी हमने तय कर लिया हमने फलां पार्टी को देना है तो बस सबने फलां पार्टी को देना। भाई उसकी भी कोई शख्सी और फिक्री आजादी है, उससे भी पूछो कि वो उसके जहन में कोई सियासी शऊर है, कोई इदराक रखती है, कुछ बता सकती है कि नहीं भी मैं फला आदमी को या फला मिनिस्टर को मुझे क्यों पसंद है। बिल्कुल दुरुस्त बात। लेकिन ऐसा इसकी आजादी ही नहीं है। नहीं है। अच्छा इमरान भाई, असली औरत नु कहने के तू बस सही फिक्र कर के आज पकाना की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा। बड़े मधुबन मेरा दीगाना जे रे, मधुबन मेरा दीगाना जे रे, गिरधर की मुरलियां बाजे रे, मधुबन मेरा दीगा। गिल्ली चिल्ली उड़ेगी चका चका बजेगा, गिल्ली चिल्ली उड़ेगी चका चका बजेगा, ना 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 मधुबन मेरा दीगाना। पुत्र तू ना टीवी च गाया कर, बंदा चैनल ते बदल लेंदा। जैसी आपकी आवाज है अभी मुंह उधर करके गाना गाया कीजिए। तो ठीक है इधर माइक लुआ दो, मैं इधर गाना शुरू कर दूं। असि कड़ा किसी ने देखना होंदा, असि तो क्लासिकल गाने। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। की हाल है? ठीक। ये हेलमेट मुझे दे दिए। क्यों तुसी इच दही लेवणा? चलो लो फड़ लो, ले लो फिर भी। शुक्रिया। हां जी साहब लाया साडा जी। जी जी। एना तो कौन बसूरे दे लोग तुसी सदे ने? हां जी मैं तेन समझा दिता है, मेरे सामने क्लासिकल गाने वाले लोग हैं जनाब। जो खलो के गाने वाले सिंगर आए ने ना, इन्होंने बह के गाने वाले सिंगर उस्तादा का फौक ही उड़ा दिता जनाब। पहले तुम्हें पता लाहौर च कि महफल होंगे सी, साडे वर्गे इज्जत बह के गाँवते सन, तो लोग इज्जत बह के सुनते सन। हाँ जी सारे होंगे सी, मुशायरे होंगे सी, महफल लाहौर च रौनक होंगी सी। जदों के खलो के गाने वाले सिंगर आए ने ना, वो जाड़ पै गई स्टेज ते कल्ले ही गा रहे होंगे, अगे होंगे कोई नहीं। आजकल आप लोगों को कोई नहीं सुनता। आजकल हमारा दौर है रॉक स्टार्स का दौर। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? अब गाना भी इंज गाते, मैंने तुमसे प्यार किया है, पैसे तू लेने तू सुना। अच्छा ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। हमारे जो दोस्त हैं असरार, वो खड़े होके गाते हैं, मगर क्या सुरीला गाते हैं असरार भाई? हाँ सुरीले आदमी। हाँ। लेकिन उन्होंने तो गेटअप देखा है तो गेटअप से क्या गाना है? वाल रखने एडी एडियां मुछा रखी हैं और ये उधर से जी अल्फ लैला जी शो चलता हुंदा सी ना, अल्फ लैला टीवी जिसमें काली नुड़ा करता था जादू वाला। हां ओदे विच ना असरार भाई अरगे बंदे औखे वेले राह दसन आंदे हुंदे। अच्छा वैसे आपको नहीं लगता? ठीक है आपका अपना एक जॉनरा है, आप जो मर्जी करें, मगर खान साहब बहरहाल फखर हैं हमारे, यानी कि हमारी तहजीब का, इनके साथ बदतमीजी तो नहीं करनी चाहिए? इन्हें की तमीज है, इन्हें गले च सोरा है नहीं, जबान च अदब है नहीं। हां जी आ देखे नहीं अली अजमत अली जफर नु, दो भी टकरो टकरी हो रहे है, सिंगर घट तो लड़ाई वाले कुकड़ बहुत लगन रहे। कभी तुम जिंदगी च सुने से खान साहब मेहंदी हसन साहब से खान साहब गुलाम अली खान की लड़ाई हुई हो? नहीं ना हुई। अदब नाल काम नाल लड़ते होंगे, एक दूजे नाल हथों पाई लड़ते, काम तो कोल नहीं, हथों पाई होना लड़ाई मतलब काम की बात पे आओ। काम की बात इतने खराद लाए ने काम। अच्छा गिटार बजा
चाह भी लेती है? नहीं वो जाती नहीं है, दुकान धोनी दी फरमल से गूगल पा के जरा एक स्ट्रोक लगा के दिखाए जिन्ने भी गाने गाए गुआए ने सारे खलो के गाने वाले सिंगर को गुआए ने उस्ताद लोगों ने तुहाडी नजर नहीं पैनी नहीं मैं समझता हूं मैं नाम नहीं लूंगा ताकि उनकी बेतौकीरी ना हो वरना बड़े बड़े नाम है उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए हाँ जी। लेकिन एक बात बताइए कि अगर आपको पीएसएल का गाना बनाने को कहा जाए हाँ तो कैसे बनाएंगे? हाय 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 ऐसे अच्छा ए हो जा गाना बनावा मैं पैरवी विच भैरवी में बारिश आ जाए क्या पैरवी च गाना बनावा ते बारिश आ जाए भैरवी हाँ और बारिश 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 का मल्हार से ताल्लुक भैरवी से गैस लो मल्हार च हुंदी है डोगदार बारिश अच्छा जिद च सलाब आ जांदे ने अच्छा। बच्चे मज्जा मंजे रुड़ जांदे ने अच्छा। असि उजार ते नहीं ना पाउणा हाँ। ए भैरवी च हुंदी है किण मिण अच्छा ताकि मैच भी चलदा रहे ते बारिश भी हुंदी मसलन किण मिण लाई काले बदला भिज गई मैं कल्ली आ जा सजना सजना आपको अगर पीएसएल का गाना बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगी? मैं कैसा गाना बनाएंगी? रॉकिंग गाना बनाऊंगी। दुनिया झूम रहेगी शादी झूम उठनी तू गाने जी चरस पा देनी नाजीन नाजीन स्टे विद अस कहीं नहीं जाइएगा छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं आप देख रहे हैं आप न्यूज़ की पीएसएल स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन लग पता जाएगा वेलकम बैक नाजीन प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं आप देख रहे हैं आप न्यूज़ की पीएसएल स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन लग पता जाएगा। इमरान भाई किस किस्म के शौक़ हैं आपके? क्रिकेट तो पता लग गया कि आप देखते हैं म्यूज़िक फिल्म बुक्स क्या किस चीज़ का ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं म्यूज़िक सुनते हैं हाँ खुद कुछ गुनगुना लेते हैं कि नहीं, नहीं काफ लीग देने काफ़ी शौकीन आदमी बस शेर व शायरी अच्छा कुछ सुना दीजिए फिर हमें अभी हाँ हाँ कुछ कुछ कोई पंजाबी की उर्दू की माना तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं माना के तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं तू मेरा शौक देख मेरा इंतजार देख वाह वाह एक और जी जी कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा हाय उस जरूर पशेमा का पशेमा होना पशेमान आए हैं लाश पे अब वो मेरी तुझे ये जिंदगी लाऊं कहां से वाह 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 अच्छा ये बताइए कि जो प्रेडिक्शंस आप करते हैं क्या इसका मतलब 16 खिलाड़ी हैं 11 तो मैच में खेल रहे हैं तो किस तरीके से आप कैलकुलेट आप लोग करते हैं? ये 16 प्लेटां बिरयानी दी सामने रख दे मौसम साहब हाँ जी अच्छा फिर फिर देख को पुछते ने कि तेरे च होर है ने 16 होर पर मतलब भाई कम खाते में से आप ज्यादा खाते नॉर्मली में इतना नॉर्मली इतना नहीं बॉडी का स्ट्रक्चर है अच्छा स्ट्रक्चर ऐसा अच्छा ये है कि जो तो आप ऐसे शुरू से दिन से गुबलू बुबलू थे और बस ऐसे ही था अच्छा अच्छा जो असल में क्रिकेट है ना हाँ। क्रिकेट की या स्पोर्ट्स की एस्ट्रोलॉजी कोई दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता हाँ। हम ये देखते हैं उसके 2-3 मेथड्स हैं सबसे पहले हम ये कुछ लोग ये देखते हैं कि जिस वक्त मैच शुरू हो रहा है उस वक्त टाइम क्या था अच्छा। उसको कहते हैं वक्ती जायचा ठीक है कुछ वो बनाकर कैलकुलेट करते हैं फिर कुछ ये देखते हैं कि दो टीमें जो तो लाहौर कंदनों का हर मैच बुरे टाइम पे शुरू होता है नहीं वो देखना मैं आई थिंक कल भी हाफिज साहब ने बात की थी हमने बात की थी उनकी जो क्रिकेट की एक सेंस होती है आई डोंट थिंक कि वो उनका कौन वो टीम बनाता हाफिज साहब तो कह रहे थे उनका दिन था मगर उन्होंने फायदा नहीं उठाया देखिए वही बात है ना वो आई डोंट थिंक कि कौन सा बनाता है मगर बार बार क्रिकेट को खेलने की एक सेंस होती है तो इसलिए वो एक डिफरेंट डिबेट है बहरहाल थर्ड जो है वो ये है कि जब कोई ऑनर है अगर उसकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ हो तो हम उससे देखते हैं कि ये उसे चीज रास आएगी कि नहीं आएगी अच्छा तो इसलिए तो राणा साहब की डेट ऑफ बर्थ आलिया जी अभी मुझसे ये बात कर रही थी ठीक है फिर ये कि जो लाहौर कलंदर है ये म्यूचुअल है दो भाइयों की मिलकर है तो फिर दोनों का देखना पड़ेगा इनके कोलैबोरेशन भी पॉजिटिव अब क्या पता आलिया की भी कुछ पार्टनरशिप हो बीच में हमें क्या पता लाहौर कलंदर दा वैसे भी मियां नवाज शरीफ वाला साहब है कैसे जिन्नी बारी मौका मिले रिजेक्ट अच्छा जी आलिया
यही सवाल। देखिए हम पूरी कोशिश करते हैं, हम नंबर्स ऐड करते हैं, हम दिन का जायचा बनाते हैं, हम मून की एक एक सेकंड की मूवमेंट देखते हैं कि क्या हो रहा है। मोस्टली हम प्लैनेट्स देखते हैं कि कौन सा लकी। अब मेरे ख्याल में इन दिनों जिस टीम के साथ ज़्यादा कैप्रिकॉन्स या ज़्यादा एक्वेरियस अच्छा। होंगे वो टीम जीत जाएगी। यानी कि मिसाल के तौर पर छः लोग ऐसे हैं जो उस जमाने में पैदा हुए हैं जो एक्वेरियंस यानी कि कहलाएगा, तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं। चाहे मून हो या सन अच्छा। हो, जिसके साथ ज़्यादा कैप्रिकॉन एसोसिएटेड, तो सबकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता होना मिलती नहीं है। हाँ, और दूसरा जिनके साथ ज़्यादा वर्गो एसोसिएटेड होंगे वो हारेंगे। कुछ इस तरह का स्पोर्ट्स में हम पांचवां घर स्टडी करते हैं। लंदर दे सितारे नहीं मिलंदा इन दी जगह ते कोई एलियन मंगा के खड़ा हो। अच्छा, प्रोग्राम चूंकि अब आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ा है, जो मैं एक दफा नज्म सुना रहा था तो अमजद साहब से किसी ने फरमाइश की कि वो सुना दीजिए जी अपना अगर कभी मेरी याद आए, तो कहने लगे यार ये मेरी कंगन हो गई है ना, तो वो जो आपकी कंगन है वो सुना दीजिए, दो तीन शेर, जरा वक्त थोड़ा सा कम है। जी बिल्कुल, हम पेश कर देते हैं कि ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना। वाह, ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना। ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना। इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया। अब तो तुम भी कह देते हो, अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना, अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना। हाथ में हाथ थामे वाला। और आखिरी शेर है कि मांग रहे हो रुख्सत मुझसे और खुद ही, मांग रहे हो रुख्सत मुझसे और खुद ही हाथ में हाथ लिए बैठे हो तुम भी ना। नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे गाने की तरफ। आज चूंकि क्रिकेट मैच नहीं था तो फिर आप दोनों से जरा निस्बतन कम गुफ्तगू हो पाई, मगर एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा, कोई रात को बात हुई राणा साहब से आपकी कल, क्या यानी कि उनके जज्बात थे? नहीं, वो देखिए जैसे मैंने पहले आपको कहा कि लाहौर कलंदर का जो मैच है ना, उसने जो टोन सेट की है वो पॉजिटिव नोट तो मतलब राणा साहब खुश थे। हम जज्बाती तौर पे होके देखते हैं, एक्चुअली बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है लाहौर कलंदर। 182 का टारगेट कोई मजाक नहीं था, बहुत शानदार टारगेट था, और उसको डिफेंड करके 9 विकेटें भी ले लेना, सिर्फ एक विकेट से हारे, तो राणा साहब डिसहार्टेड नहीं थे? बिल्कुल भी नहीं, खुश थे। राणा साहब तो मैं आज रंग के पास स्विमिंग कर रहा हूं। नहीं, ये तो जज्बा है, बल्कि यहां से अगर ये डाउन चले गए ना, अगर यहां से अपसेट हो गए तो फिर बहुत नीचे जाएंगे, यहां से इनको उठना है। और ये टोन उनकी नजर आई है आज हमारे प्रोग्राम में, चूंकि राणा आतिफ को इन्होंने लिया था, तो उन्होंने यही कहा कि हम आगे की तरफ देख रहे हैं, और अभी तो बड़ा लंबा मेला चल रहा है कि राणा साहब खिलाड़ियों को बुरा भला कह रहे हैं, उससे राणा साहब से लाहौर कलंदर हार जाते हो तुम भी ना। हम बढ़ेंगे अपने दोस्त जो पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की आन है और हमारी पहचान भी है, वन एंड ओनली असरार था आज का शो। और दो अशार पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, मगर उससे पहले मुझे और मेरी को होस्ट आलिया रशीद साहिबा को हमारी पूरी टीम की तरफ से इजाज़त दीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मसूद साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीन हसीब अंबर साहिबा का कि आप तशरीफ़ लाएं। और क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो, क्यों मेरी किताब शायरी कुछ ज़्यादा हो गई आज, लेकिन बहरहाल सारे ही खुश ज़ौक हैं। क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो, कुछ शेर मेरे सबको सुनाने के लिए नहीं, और बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से, देखो ये फकत आग लगाने के लिए नहीं। जाए दीजिए, अल्लाह।